तो भाइयों स्वागत है आपका बिहारी बाबू के अनदर ब्लॉग में। मैं हूं आपका अपना सूरज आर्या और आज मैं अपने सभी दोस्तों के साथ, ये रोहित भाई, हेलो कर दो भाई सब लोग को। हाँ तो ये पंडित जी देख रहे हैं, एकदम स्मार्ट लग रहे हैं, कमेंट करके बताइए कैसे लग रहे हैं ये। और इनका फोटो वगैरह तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, सभी का हम लोग का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। खैर बात पे आते हैं, तो हम लोग आए हैं भैया मनेर दरगाह शरीफ। तो ये मनेर जाने का वो सामने से आता है रास्ता, हम लोग दानापुर से आए हैं सामने की तरफ से, और ये जो पीछे का रास्ता ये बिहटा चला जाता है, तो आप बिहटा की तरफ से भी आ सकते हैं और ये सामने दानापुर पटना की तरफ से आ सकते हैं। तो ये भैया मनेर जाने का तीन रास्ता है, एक ये रास्ता है और एक इससे थोड़ा सा पीछे रास्ता है, पर मेन दो रास्ता है। एक ये रास्ता है जिसमें आपको बोट्स वगैरह मिलेगा, और ये है आम रास्ता। और हम जाते हैं कहाँ से भाई? मेंटोस वाले जिंदगी के रास्ते से, तो वहाँ से आपको ले चलते हैं। तो आपका स्वागत है बिहारी बाबू के चैनल में, और अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को बिना देरी किए हुए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके बिना किसी परेशानी के। तो आज हम आए हुए हैं पटना से 30 किलोमीटर दूर मनेर। ये मनेर पटना का ही है, ठीक है, ये पटना ज़िले में ही स्थित है, और यहाँ पर हम आए हैं आज दरगाह दिखाने आपको। तो आज की वीडियो में आपको दरगाह दिखाएँगे हम। मनेर दरगाह दो है, एक बड़ी दरगाह जो मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं उस तरफ है, तो उसके अंदर तो हम आपको नहीं ले जा सकते क्योंकि उसके अंदर वीडियो शूट करना की मनाही है, तो वो नहीं दिखा सकते हैं। बट आपको हम दिखा दे रहे हैं कि वो मनेर दरगाह का जो है ये बड़ी दरगाह है, और मेरे आप इस तरफ जब आप आते हैं तो इस तरफ सामने में जो ये खूबसूरत सा नज़ारा आप देख रहे हैं, ये मखदूम शाह का मकबरा, ये छोटी दरगाह के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि मनेर दरगाह कितना लंबा चौड़ा है वो दिखाएंगे, और आपको बताएंगे यहाँ का इतिहास कि कितना पुराना है, और भी इसकी सारी डिटेल्स है। पर उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, जिस वजह से हमने सोचा है कि हम इसका दो पार्ट बना देंगे। पहले पार्ट में आपको मनेर की ये जो दरगाह है इसका चारों तरफ का हम आपको व्यू देंगे, कहाँ कहाँ से आप आ सकते हैं वो रास्ते बताएँगे, और साथ ही साथ आपको हम यहाँ माहौल बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमारे चैनल पे आप हैं हमारे साथ, पहले आप हमारे वीडियोस को देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि माहौल कैसे बनते हैं, तो हम उसको बनाएंगे। और दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, उस दरगाह के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो आप दूसरे पार्ट का इंतज़ार करिएगा, और आपको वीडियोस पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करिएगा और हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मोटिवेशन मिलता है यार। आप जब आप हम लोग हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जब सब्सक्राइबर आते हैं हमारे, बिहारी बाबू के नए मेंबर्स जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो फालतू बकवास ना करते हुए और आपका समय वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करता हूं यहां का थोड़ा सा माहौल। तो भाइयों आपने माहौल देख लिया कि यहाँ का माहौल कैसा है, और फिलहाल हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आपको बताते हैं यहाँ की कुछ बातें, कुछ अच्छी बातें, कुछ यहाँ की बुराइयाँ भी बताएंगे, क्योंकि हम लोग जो बताते हैं आपके साथ, जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ना, वो सच्ची बातें बताते हैं, ये नहीं कि यहाँ बहुत बढ़ चढ़ के बता दिए, ठीक है, या फिर बहुत ही जैसा भी है, समझ रहे हैं ना आप। तो आपको पहले बताते हैं यहाँ की कुछ खास बातें। यहाँ की खास बातें ये है कि जब यहाँ आते हैं पटना से, ये थोड़ा सा बाहर ही पड़ता है, ठीक है, मेन पटना से थोड़ा सा बाहर पड़ता है, ठीक है, जब आप यहाँ आते हैं तो ये दो ही दरगाह हैं, इस तरफ जो आपको बड़ी दरगाह मैंने बताया, और मेरे ठीक पीछे ये जो मखदूम शाह का मकबरा, ये छोटी दरगाह कहलाता है। बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं इस जगह का दर्शन करने, यहाँ लोग आते हैं घूमने फिरने इस जगह को देखने के लिए, ठीक है। और जो पीछे ये जो इतना सारा पानी आप देख रहे हैं ना, कहा जाता है यहाँ के आसपास के लोगों से मैंने जब बात किया था तो मुझे पता चला कि ये 7 कुआं इसके अंदर है, उसी का ये 7 कुआं का पानी है, और इस पानी में कोई जाता नहीं है तैरने, क्योंकि अगर इसमें आप जाइएगा तो आपका बचना शायद नामुमकिन है। तो
तो अगर आप यहाँ आते हैं तो ये प्रिकॉशन ज़रूर ध्यान में रखिए कि इसमें उतरने का या मस्ती मज़ा में कूदने का कोशिश ना करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आसपास में लोग मछली वगैरह मारते रहते हैं, और कुछ ख़राबी ये है कि उधर जब आप उस तरफ जाइएगा, जब छोटी दरगाह के पास में, तो आपको ये तालाब थोड़ा गंदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा गंदा मिलेगा। उसका मेन रीज़न कि लोग इसमें कचरा डालते हैं, दूसरा लोग यहाँ के आसपास के जो औरतें हैं वो यहाँ पे कपड़ा वगैरह धोने का ये जगह बना रखी हैं, और साथ ही ये बिहार टूरिज़्म के अंदर का तो आता है लेकिन बिहार सरकार इस पर कोई खासा ध्यान नहीं दिए। हाँ, एक छोटा सा बदलाव ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, जब आप पहला एंट्री जब मेन एंट्री जब लेते हैं तो वो दोनों तरफ की दीवारें बनी हुई हैं, नई नई दीवारें हैं, वहाँ पर आपको एक मेन गेट मिल जाएगा। तो ये कुछ ख्याल तो रखा है सरकार, लेकिन आसपास कोई ख़ास जब आप आइएगा तो उतना महसूस नहीं होगा कि टूरिज़्म के लिहाज से इसको सरकार इसने इस पर ध्यान दिया है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। खैर, वो सब बातें तो अब हम साइड रखते हुए आपसे ये कहते हैं कि आप यहाँ पे जब आप आइएगा तो आपको फ़ोटो शूट करने का एक बहुत ही अच्छा जगह मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे लोग आते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने स्पेशल वन पर्सन के साथ, समझ ही रहे हैं आप स्पेशल पर्सन कौन होते हैं, तो उनके साथ आप आइएगा तो यहाँ समय बिताने का बहुत अच्छा जगह मिल जाएगा। और यहाँ पर फ़ोटो शूट करने के अलावा एक शांति वाला जो माहौल होता है ना, क्योंकि पटना हमारा शहर पॉल्यूशन से भरा हुआ है और शोर शराबा से भरा हुआ है, तो उन शोर शराबों से, पटना के पॉल्यूशन से, थोड़ा सा पटना से बाहर आप यहाँ आइए, मज़ा लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस इंस्टाग्राम के लिंक पे आप जाइए और यहाँ के हम लोग जो भी फ़ोटो शूट करते हैं हमारे ब्लॉग में, पिछले ब्लॉग से लेके आने वाले सभी ब्लॉग्स के सारे फ़ोटो शूट आपको उस इंस्टाग्राम के हमारे पेज पे मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।